हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज है संडे और आज फिर से एक और मैं व्लॉग आपके सामने लेके आया हूँ। दरअसल मेरे कुछ स्टूडेंट हैं तो बहुत टाइम से वो कह रहे थे कि भाई कहीं पिकनिक चलना है। तो भाई फाइनली आज हमने डिसाइड किया है, तो आज हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए। तो कुछ स्टूडेंट हैं मेरे, एक तो ये रहा, ये देख रहे हो, हाय गाइस, ये हाइट में सबसे छोटा है बाकी और भी हैं। हाँ भाई, कहाँ हैं सारे भाई, सबको बुला। तो भाई बहुत टाइम से ये कह रहे थे भाई चलना है, कहीं घूमना है, फिरना है। तो आज हम फाइनली दिल्ली के जो भी हमारी प्लेसेस हैं, जैसे रेल म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, तो देखते हैं आज क्या क्या कवर हो पाता है, जितना हो पाएगा तो आज सारा हम देखेंगे। बाकी इनको भी दिखाऊंगा क्योंकि ये भी बड़े टाइम से ये कहीं गए नहीं है। तो इसमें से हाँ भाई, एक ये है। हाँ, तो तेरा ये टूर पहला है या कभी गया है? पहला टूर है, कभी गया है कहीं घूमने, मतलब दिल्ली में कोई जगह देखी है? जैसे आज हम रेल म्यूज़ियम वगैरह जा रहे हैं, देखा है कभी? तो फर्स्ट टाइम है तेरा? तो भाई इसका फर्स्ट टाइम है। बाकी ये तीन स्टूडेंट और है मेरे, तो शायद इनका भी पहली बार है। हाँ भाई, तुम्हारा भी पहली बार है? तो भाई ये भी पहली बार जा रहे हैं, तो मतलब इन्होंने देखा नहीं है। तो बेसिकली आज ये है कि ये बहुत टाइम से बोल रहे थे, तो फाइनली आज दिन निकला है भाई, आज तो हम जा रहे हैं टूर के लिए। तो जो भी है दिल्ली में जितना कवर हो पाएगा आज देखते हैं। तो गाइस घर से निकल चुके हैं रेडी वेडी होके, तो अब सबसे पहले हम जाएंगे रेल म्यूज़ियम। मतलब वहाँ पे ये है कि काफ़ी पुरानी टाइम की भी ट्रेन वगैरह जो बनी हुई थी, तो वहाँ पे वो भी देखने को मिलेगी। तो बाकी कुछ नया इन्वेंशन होगा तो वो भी वहाँ देखने को मिल जाएगा। और बाकी वहाँ पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी है। तो देखते हैं, मेरे साथ वैसे भी सारे बच्चे ही हैं, एक आधा ही है जो 18 की एज का है, बाकी सारे बच्चे हैं। तो भाई हम सीधा जा रहे हैं रेल म्यूज़ियम के लिए, उसके बाद देखते हैं जो मतलब जिस हिसाब से टाइम होगा तो चीज़ों को कवर करते हुए हम निकलेंगे। उसके बाद हमें साइंस म्यूज़ियम भी जाना है, तो फिलहाल चलते हैं, फिर तो आगे दिखाते हैं रेल म्यूज़ियम कैसा है, वहाँ की टिकट प्राइस क्या है। तो भाई जैसा कि आप, संडे है तो संडे के दिन आपको पता ही है वीकेंड वैसे ही होता है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे भी लाइन लगी पड़ी है। मतलब पिछले संडे भी जब मैं निकला था खाटू श्याम जी के लिए, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से मैं दर्शन कर नहीं पाया था। खैर आज तो घूमने जा रहे हैं, रोडों पे तो खैर वीकेंड है तो भाई जाम लगा ही रहता है। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो भाई इस छोटे को भी वीडियो बनाने का बहुत शौक है, इसका भी अपना कोई चैनल है, पर ठीक है, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, तू लगा रहे, तू मेहनत करता रहियो। बोल के बता कैसे बोलता है तू, मतलब बता कैसे, मतलब क्या आता है तेरी उस वीडियो में? तो गाइस मैं ड्राइंग्स की वीडियो डालता हूँ। जैसे ड्राइंग में क्या क्या डालता है तू उसमें? ड्राइंग्स में जैसे डालता हूँ फ्लावर पॉट हो गया, ये सब हो गया, बढ़िया बढ़िया चीज डालता हूँ, खराब नहीं डालता गाइस, देख लेना। तो भाई तो तू अपने चैनल का नाम भी बता ही दे चल। तो गाइस आप सर्च करना सचिन ड्राइंग, चार बार वाई लिखना, आ जाएगा चैनल। तो गाइस हम रेल म्यूजियम पहुंच चुके हैं, वो पार्किंग नहीं मिल रही, बस अब क्या करें हम। तो गाइस रेल म्यूजियम पहुंच गए हैं और तो अभी पार्किंग के लिए हम खड़े हुए हैं, देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा। मतलब काफी रश है यहाँ पे भी। तो गाइस हमको यहाँ पे आ तो गए रेल म्यूजियम, बट यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही। भाई इसको बहुत शौक है वीडियो बनाने का, मेरी तरह ही है ये भी भाई, बड़ा होके व्लॉगर भी बनूंगा। बहुत बढ़िया, तू अभी से ही बन जा ना, बड़ा होके बना, इतना वेट क्यों करना है, तू अभी से ही बन जा, अभी से ही स्टार्ट कर दो। और क्या, अभी तेरी हाइट जो भी है ना, अभी से तू स्टार्ट करेगा, क्या पता जब तक तू व्लॉगर बने जब तक तो तेरी अच्छा, क्या पता तू पॉपुलर ही बन जाए। ये पूरी जो आप लाइन देख रहे हो ये सारी किसकी है, टिकट के लिए लगी हुई है। तो भाई ये रही मेरी पूरी टीम, तो हम जाएंगे रेल म्यूजियम के अंदर, पर वहाँ देखते हैं अंदर क्या क्या है, ठीक है? तो चलते हैं, बाकी हमारी टिकट कहाँ पर, टिकट आ गई? हाँ। तो भाई ये हमारी टिकट है, छोटी सी एक पर्ची है जिसमें 6 बंदों की टिकट है, तो चलते हैं अंदर। तो भाई म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और एंट्री करते ही सबसे पहले एक ये ट्रेन है यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा सा, आप ये देख रहे हो व्हील लगा हुआ है। बाकी ये यहाँ से पूरी एंट्री है म्यूजियम के अंदर जाने के लिए। बाकी एक ये मैप भी है यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो चलते हैं बाकी अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो भाई म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और जैसा कि आज संडे है तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, ये देखो। मतलब मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ इतनी भीड़, वरना जब भी आया हूँ मेरे को खाली मिला है, और आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ है संडे की वजह से।
भाई रेल म्यूजियम है ना, एक बुक स्टोर लगा हुआ है जहाँ पर मतलब काफ़ी वैरायटीज की बुक्स वगैरह हैं। यहाँ पे ये पूरा बुक स्टोर लगा हुआ है। तो भाई चलते हैं इस रेल म्यूजियम के अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो भाई ये बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है। भाई सब साथ रहना, कहीं घूम जाना इधर उधर, भीड़ बहुत है आज। क्या है ये पढ़ के बता। और ये क्या है, कुगनट भाप इंजन है ये। ये एक बड़ा प्यारा सा मॉडल है जो तैयार किया हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट में दिए जाते हैं बनाने के लिए बच्चों को। तुम तो बनाते नहीं हो, बनाते हो तुम? अंजलि को बनाने को दिया हूँ। भाई ये क्या है, ये तो चल रहा है। भाई ये एक बड़ी सी बोझ लगी हुई है यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, टीम कहाँ गई हमारी? तो भाई ये है सारा रेल म्यूजियम के अंदर का नज़ारा। और ये बच्चे हो चुके हैं फ्री यहाँ पे, अभी अपनी मर्जी से लगे हैं घूमने। तो भाई सब साथ ही रहना, कहीं इधर उधर मत घूम जाना। हाँ सचिन कैसा लगा? इधर देख, ये देख, वो ये क्या है, ये तो सुरंग में से निकल रही है, दिख रहे हैं? ये तो टनल बनी हुई है, मतलब ये पूरे ऊपर पहाड़ हैं और इस टनल में से मतलब यहाँ से ट्रेन निकलेगी। क्या है ये? ये शिप है। तो भाई ये एक ट्रैक बना हुआ है और यहाँ पे ये एक हैंडल दिया हुआ है कि जैसे वो जो ट्रैक में है ना, मतलब वो कैसे चेंज करते हैं पटरी को जब ट्रेनों का हमें मतलब वो ये एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर भेजनी होती है, तो ये उस तरीके का कुछ मॉडल दिया हुआ है। और ये एक शिप है, अपने भी टूल्स वगैरह होते हैं, ये वो हैं। ये रही हमारी भारतीय रेल, ऐसा लग रहा है जैसे वंदे भारत, ये हमारी इंडियन ट्रेन है। इस पे तो सनरूफ टाइप भी दिया हुआ है। ये सिग्नल लाइन है सिग्नल के लिए। भाई ये सारी वो मशीन है जो सिग्नल बदलते हैं ना रेलवे वाले, तो कैसे कहाँ से कैसे बदलना है सारा ये वो है। भाई बड़ी सुंदर पेंटिंग लग रही है यहाँ पे, जितनी भी लगी हुई है सारी बड़ी अच्छी लगी हुई है, एक से एक बेहतरीन बनी हुई है। ये सारा रेल म्यूजियम के अंदर है। बाकी ये सारी नंबर प्लेट्स हैं जो अलग अलग तरीके की डिज़ाइन की हुई हैं। बाकी भाई ये सारे मॉडल्स हैं ट्रेन के, पता नहीं कैसे कैसे टाइम के इंजन है ये। ये कब के हैं यार ये, हमने तो कभी ऐसे देखे भी नहीं, अब तो होते भी नहीं है ये। ये कैसी ट्रेन है? यही वाली ट्रेन देखिए, ये तो पूरी ट्रांसपेरेंट है। भाई ये सारे हॉर्न दिए हुए हैं। और ये क्या है, ये फ्लो इंडिकेटर वगैरह, मतलब पता नहीं कैसी कैसी मशीन है भाई रेलवे का, हमें तो कुछ इतना पता भी नहीं है हम तो। ये है ट्रेन बड़ी जानी पहचानी अपनी इंडियन रेलवे, जो बाकियों ने भी देखी होगी, जिस तरीके का इंजन तो शायद किसी ने देखा होगा। और ये बाकी ब्रेकिंग सिस्टम है, बाकी ये अंदर का ये कोच सिस्टम, ये देखो ओहो कितना बढ़िया लग रहा है। भाई ये सारे वो अपने इंडियन रेलवे के कोच हैं। ये इंडियन रेलवे की क्या ये क्रेन है? हाँ ये क्रेन है, बुलेट ट्रेन जैसी लग रही है ना, बुलेट ट्रेन जैसी लग रही है ये तो लोकल ट्रेन है। ये अपनी लोकल ट्रेन है भाई, ये एमयू कोच, इसमें हम जाते हैं। वो जो ये डेली पैसेंजर वाली है ना, हाँ ये वो है। ये वहाँ जाती पानी पर सोने का। भाई ये यहाँ पर एक से एक पेंटिंग फिर से लगी हुई है, ये कोलाज टाइप बना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी शानदार पेंटिंग है। भाई म्यूजियम हो गया कंप्लीट, अब यहाँ से बाहर निकलना है चलो। तो भाई म्यूजियम हमने पूरा देख लिया है और म्यूजियम से निकलते ही बाहर पूरा बुक स्टोर लगा हुआ है,